गाड़ी क्या? हाँ, पहली बात तो रेलगाड़ी काफी लंबी होती है, क्या होती है? तो रेलगाड़ी की चाल समय का ही अध्ययन है, चाल समय थोड़ी। तो यहां भी तीन बातें, कितनी बातें? चाल, दूरी और समय। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल गुणे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे। लेकिन रेलगाड़ी चूंकि कुछ ज्यादा लंबी होती है, क्या तो यहां पर सापेक्ष चाल, सापेक्ष दूरी और सापेक्ष समय में थोड़ा सा नॉर्मल सवालों से हटकर कुछ बातें होती उन्हें सीखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं रेलगाड़ी के लिए सापेक्ष दूरी। क्या सपोज करो कि एक रेलगाड़ी है, क्या है? और रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म में कोई खंभा लगा है, क्या लगा है? ठीक है ना, मैं इसे मानता हूँ ये रेलगाड़ी और यहाँ एक खंभा लगा है। रेलगाड़ी कोई स्पीड से चल रही है। अब बात है कि रेलगाड़ी खंभे को क्या करे? तो रेलगाड़ी का पहले इंजन है, फिर एक डिब्बा, दो डिब्बा, दस डिब्बे है, फिर क्या है? कार का डिब्बा। आइए देखें, सपोज करो रेलगाड़ी का इंजन खंभे की बगल से इसे क्रॉस करने लगा, क्या? तो क्या रेलगाड़ी ने खंभे को क्रॉस कर लिया? अब पहला डिब्बा निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, जब तक कि रेलगाड़ी का गार्ड का डिब्बा पार नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं कहते कि रेलगाड़ी ने खंभे को पार कर लिया। यानी रेलगाड़ी को खंभा पार करनी, बात तो इतनी कि रेलगाड़ी क्या पार कर रही है? एक गोल या खंभा पार कर रही है। लेकिन गौर से देखें, रेलगाड़ी खंभा तभी पार करेगी जब तक पूरी रेल खंभे के आगे से निकल नहीं जाएगी। कई बार आपने देखा होगा रेल के पटरियों में कि कई बार केवल इंजन होता है, क्या होता है? कई बार कोई छोटी गाड़ी भी होती है, 10-12 डिब्बे लगे होते, कई बार बहुत बड़ी गाड़ी होती है, मतलब 30-40 डिब्बे लगे होते, माल गाड़ी होती है, क्या होता है? तो अगर गाड़ी छोटी है तो तुरंत पार हो जाएगी, और गाड़ी अगर आवश्यकता से ज्यादा लंबी है तो उसे पार करने में क्या लगेगा? समय लगेगा। यानी रेलगाड़ी जब खंभा पार करती है तो स्वयं अपनी लंबाई को ही पार करती है। किसे पार करती है? इस बात को हम दिमाग में रखें। सपोज करो रेलगाड़ी आगे चली और कोई पुल है या कोई प्लेटफॉर्म है, क्या कोई पुल है या कोई प्लेटफॉर्म है? अब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करे तो ये प्लेटफॉर्म का पहला छोर और ये आखिरी छोर। आइए देखिए, ये रेलगाड़ी का इंजन पहले इस प्लेटफॉर्म के पहले छोर को टच करता है तो क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पार कर ली? नहीं पार करी। और आगे चली रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर टच किया, इंजन आगे निकल गया तो क्या रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया? नहीं पार किया। जब तक कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा और जब तक कि गार्ड का डिब्बा नहीं निकल जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को। ध्यान से देखिए, पहले तो रेलगाड़ी को अगर प्लेटफॉर्म पार करना है तो पहले तो रेलगाड़ी के इंजन को प्लेटफॉर्म की दूरी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। और बाद में अपनी दूरी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। यानी प्लेटफॉर्म पार करने का मतलब है कि इंजन ने पहले प्लेटफॉर्म को पार किया और फिर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर को रेलगाड़ी ने क्या किया? पार किया। यानी अब रेलगाड़ी अगर ज्यादा लंबी होगी तो प्लेटफॉर्म पार करने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, छोटी होगी तो थोड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी अगर ऐसी दशा है कि रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार करती है, सपोज करो इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई क्या है? L2 है। तो ऐसी दशा में सापेक्ष दूरी L1 और प्लस क्या हो जाएगी? L2। यानी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए पहले प्लेटफॉर्म पार करना पड़ेगा फिर अपनी। तो यानी या तो रेलगाड़ी की लंबाई ही सापेक्ष दूरी का काम करेगी और या तो दोनों दूरियां आपस में जुड़कर बनेगी, क्या बनेगी? आइए अब ध्यान देते हैं। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्या करती है? पार करती है।
तो ध्यान दें, सपोज कोई एक रेलगाड़ी है और उसी दिशा में जा रही है एक और रेलगाड़ी, ये उसे पार करेगी, इसकी चाल थोड़ी ज़्यादा है। तो ध्यान दें, ये दूसरी पहली रेलगाड़ी है, इसका ये इंजन है और ये गार्ड का डिब्बा है, ये अपनी रेलगाड़ी उसी दिशा में पार कर रही है। तो जब इस रेलगाड़ी ने इसके गार्ड के डिब्बे को टच किया, तब हमने कहा ये पार करना